डियर स्टूडेंट, 3D चैप्टर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का बेहतरीन क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जनरली टीचर क्या करते हैं, वेक्टर पहले पढ़ाते हैं, 3D का डेप्थ नहीं सिखाते, और वेक्टर के दम पे बच्चा खुश होता रहता है क्योंकि स्कूल में वेक्टर ज़्यादा आता है। IIT JEE में एडवांस में 3D पर आधारित क्वेश्चन है, और यदि कंसेप्ट्स बच्चे को नहीं मालूम तो गया काम से। आइए ध्यान से देखिएगा, सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। यह दो लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। x-1 x-1, y y, z-1 z-1। भाई साहब, दोनों जब 0-0 होंगे तब, यानी कि कटिंग पॉइंट 1-0-1। इसका मतलब यहां पर आपको साफ साफ समझ में आएगा कि यह लाइन को भी कहां से गुजरना है, उसी पॉइंट से गुजरना है, 1-0-1 से। यस, चलिए आगे देखते हैं, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। और इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर दो तरीकों से निकलता है, ऐड करके और सबट्रैक्ट करके। तो ऐड करके निकलता है किसका, एक्यूट का, और सबट्रैक्ट करके किसका निकलता है, ऑप्टिउस का। तो मेरे को चाहिए DRs किसके, एक्यूट के। तो -3 में 1 को ऐड करो, -1 में -1 को ऐड करो, 1 में 3 को ऐड करो, क्या बना मेरे भाई, -2 -2 4। इसका मतलब ये बना -1 -1 2, मगर यहां इन्होंने -2 लिखा है। इसका मतलब 1 1 और 2 हो गया, डन। तो मेरी स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इससे गुजार दो, x-1 upon 1 y-0 upon 1, इसको देखो भाई, z-1 upon -2, मगर धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया, इधर y-1 लिखा है, इसका मतलब इसको इज इक्वल टू में ले लो लेमडा। यस, तो x मेरा क्या बना, λ+1, y क्या बनेगा, लेमडा, और z बना -2 λ+1। और हमसे बोल रहे हैं कि इसको कैसे गुजारना है, 1 से। तो लेमडा यदि 1 रखें तो ये बनेगा 1+1, ये बनेगा -2+1, यानी कि 2 1 -1, डन। अब मेरी बात समझिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हुआ 2, यस, और गामा हुआ -1, यस। तो इसमें से इसको घटाओ तो बना 3, एप्पल आंसर सही है। फिर L+M, ये L है, ये M है, ये N है, N वैसे ये होता है, तो बॉम्बे भी सही हो गया। अल्फा माइनस गामा, भैया जब 3 हो रहा है तो 1 कैसे होगा पप्पू, और L+M जब 2 है तो 0 क्यों होगा भाई साहब। तो आंसर अमिताभ बच्चन, A4 अमिताभ, B4 बच्चन, थैंक यू।